नमस्कार, जे स्काई न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं करिश्मा परिहार। आइए रुक करते हैं शहर की तमाम खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों के लिए सौगातों का पिटारा खोल रहे हैं, जिसके तहत सोमवार को प्रधानमंत्री ने देश के 27 राज्यों के करीब 300 से अधिक जिलों में 554 रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसमें ब्यावर रेलवे स्टेशन को भी शामिल किया गया है। जिसके तहत सोमवार को ब्यावर रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पीएम मोदी द्वारा वर्चुअल उद्घाटन कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मंत्री गहलोत के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर रेलवे प्रबंधन की ओर से उनका माला और साफा पहना कर स्वागत किया गया। इस मौके पर विधायक शंकर सिंह रावत, सभापति नरेश कनौजिया, अजमेर भाजपा देहात जिला अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा, एसपी नरेंद्र सिंह, एएसपी हिमांशु जांगिड़, एसडीएम गौरव बुड़ानिया सहित रेलवे के प्रशासनिक अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस मौके पर मंत्री गहलोत ने उपस्थित सभी को प्रदेश सहित ब्यावर जिले को नशा मुक्ति हेतु शपथ दिलाई। इस मौके पर मंत्री गहलोत ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर है। उसी के तहत आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं को देश को समर्पित किया है। उन्होंने कहा, इसी योजना के तहत ब्यावर रेलवे स्टेशन का भी 15.5 करोड़ रुपए का जो कार्य चल रहा था, उसका भी आज लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल रूप से किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया ये कार्य देश में माइलस्टोन है, जहां इतने बड़ी हजारों करोड़ की परियोजनाओं को देश के प्रति समर्पित किया गया है। उन्होंने कहा, इतनी बड़ी योजना को एक साथ लोकार्पित करना अपने आप में एक बड़ा क्रांतिकारी बदलाव है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में रेल सेवाओं के माध्यम से बड़ा परिवर्तन है। उन्होंने कहा, वंदे भारत ट्रेन की तरह पीएम मोदी द्वारा देश में विकास की रफ्तार को बढ़ावा दिया है। इस मौके पर उन्होंने ब्यावर रेलवे स्टेशन पर विभिन्न शहरों से जोड़ने हेतु ट्रेन के ठहराव और ट्रेन को बढ़ाने के लिए कार्य किया जाएगा, जिससे कि ब्यावर जिले वासियों को होने वाली परेशानियों से निजात दिलाई जा सके। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश एक विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर है, उसमें रेल परियोजनाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसी क्रम में आज पूरे हमारे रेल मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हजारों करोड़ रुपए की परियोजना को देश को समर्पित किया है। उसमें हमारे ब्यावर में भी 15.5 करोड़ रुपए की लागत से जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, पिछले साल उन्होंने इनका शिलान्यास किया था, आज उद्घाटन कर रहे हैं। मैं सोचता हूं ये देश के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, जहां इतने हजारों करोड़ की परियोजना को एक साथ देश को समर्पित किया जा रहा है। और उसी क्रम में आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी का, रेल मंत्री जी का लाइव उद्बोधन हम सब ने सुना। 40 लाख से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम से जुड़े, जहां माननीय प्रधानमंत्री से लेकर गवर्नर से लेकर कैबिनेट मिनिस्टर से लेकर चीफ मिनिस्टर से लेकर एमएलएज, एमपीज, मंत्रीगण और अन्य लोग महानुभाव भी जुड़े हैं। तो ये एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है राजस्थान में रेल सेवाओं के माध्यम से, जब वंदे भारत ट्रेन भी है उनको एक्सपोर्ट करके उसके बारे में भी विकास की जो नई गति है उसको रफ्तार देने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री द्वारा केंद्र सरकार द्वारा किया। अगर हम ब्यावर की बात करें, क्योंकि ब्यावर जिला बढ़ चुका है, विकास स्तर बढ़ चुका है, विकास के नाम पे अपने बजट तो दे दिया, लेकिन अगर मूलभूत समस्याओं की बात करें तो सुबह 4:30 बजे के बाद में जयपुर जाने के लिए कोई ऐसा साधन नजर नहीं आता, कोई ऐसी रेल नजर नहीं आती है 11-12 बजे से पहले, तो ऐसे में इन मूलभूत आवश्यकताओं की आवश्यकता नहीं लगती आपको? देखिए, ब्यावर जिले का लंबा इतिहास रहा है, स्वर्गीय हीरा सिंह चौहान साहब से लेकर आदरणीय शंकर सिंह जी जो रावत एमएलए साहब हैं, उन्होंने खूब प्रयास किया ब्यावर को जिला बनाने के लिए, अब आखिर में सफलता मिली है। जो समस्याएं वाकिफ है हम लोग सब वाकिफ है, इससे निश्चित ही आने वाले समय में रेल मंत्री जी को अवगत कराकर जो ब्यावर रेलवे स्टेशन पर कुछ नई गाड़ियों के ठहराव की भी बात करने वाले हैं और जो नई रेलगाड़ियां शुरू करने की बात है उसको भी हम लोग करेंगे। अब चूंकि डबल इंजन की सरकार है देश में, तो शायद इस प्रकार की समस्या नहीं आएगी, लेकिन लोगों के आवागमन में रेल एक बड़ा सुगम साधन है, इसलिए आने वाले समय में आपने जो बातें बताई है हम सब जनप्रतिनिधि मिलकर अच्छा काम करेंगे, लोगों की सुविधा बेहतर कैसे हो इस बारे में प्रयास करेंगे। महिलाओं का महत्व बहुत ज्यादा दिया जाता है, रोडवेज की बात करें तो 50% किराया छूट होती है, यहाँ बात अगर शटल की करें तो वहाँ 15 रुपए से 35 रुपए किराया कर दिया जाता है, और यहाँ पर ऐसे परिस्थिति में दोनों समानांतर और एक्सप्रेस के नाम पर किया जाता है जबकि वो लोकल ही चलता है।
देखिए हमारी सरकार अभी नई नई बनी है, आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार ने जो 100 डेज का एक्शन प्लान है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत युद्ध स्तर पर काम किए हैं। बहुत बड़े बड़े काम हमने अभी पिछले एक महीने में किए हैं। और ये जो महिलाओं की बात की तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही शक्ति वंदन अधिनियम के मार्फत देश की लोकसभा और विधानसभाओं के अंदर 33% महिलाओं को आरक्षण का लाभ दिया, इससे पहले किसी सरकार ने नहीं दिया है। आने वाले समय में अभी रोडवेज 50% के करीब महिलाओं को किराए में छूट है। आने वाले समय में ये सारी समस्या सरकार के सामने रखेंगे और निश्चित ही जानकारी में होगी। और मातृशक्ति के लिए जितना प्रयास इस मोदी सरकार ने किया है और हमारी भजनलाल जी की प्रदेश सरकार कर रही है उससे ज्यादा किसी ने नहीं किया। लेकिन फिर भी अगर कहीं कमी होती है, अगर उनके मान सम्मान के साथ में कहीं कोई कमी नजर आती है उसको पूरा करेंगे। नवंबर से लेकर दिसंबर में ये अभियान चलता है जहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन होता है कि कौन अभी जिंदा है कौन नहीं है, क्योंकि हर साल कई लोगों की मौत होती है। मौत होने के बाद किसी गलत व्यक्ति को पेंशन नहीं जाए, इसलिए एक साल में 2 महीने का अभियान चलता है। अभी हमारा अभियान चूंकि विधानसभा के चुनाव थे इसलिए उसको आगे बढ़ाया गया है, तो मार्च तक ये अभियान पूरा हो जाएगा। प्रतिवर्ष होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसे प्रकरण आए हैं तो हम जांच कराएंगे। जांच कराने के बाद में जो वाकई में पात्र लोग हैं उनको तो पेंशन मिल जाएगी और जो अपात्र व्यक्ति जो पेंशन मिले उनको भी बंद करें। सर, बुजुर्ग महिलाओं के फिंगर को लेकर काफी समस्या रहती है, जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को लेकर, उनको लेकर क्या रहेगा? देखिए, शहर में SDM स्तर पर और गाँव में BDO स्तर पर हमने ये किया है कि बायोमेट्रिक नहीं है, रेटिना का नहीं होता, उनको फिजिकली हम लोग उनको वेरीफाई करने के लिए ऑर्डर किया। आप लोग वहाँ जा सकते हैं और वहाँ उनके सामने अगर वो वेरीफाई कर देते हैं उनको पेंशन मिले। हत्यावर के लिए इतने कई समय से, लंबे समय से आप और हम सब मिलकर के जो मांगे सोच रहे थे वो भी करीबन पूरी होने जा रही है हमारी मांगे, और जैसे अपन चाह रहे हैं उससे भी बढ़कर के काम होते जा रहे हैं। इसलिए आज मोदी जी ने जो कायाकल्प के लिए पूरे देश में जो एक साथ में उद्घाटन किया है बहुत ही अनुकरणीय है, इतनी प्रशंसा कहीं कम। राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा ब्यावर का वार्षिक अधिवेशन रविवार को धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत थे, जबकि अध्यक्षता विधायक शंकर सिंह रावत ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्य मंत्री मंजू बागमान ने शिरकत की। वार्षिक अधिवेशन के दौरान मंत्री ने पेंशनर समाज के वरिष्ठ सदस्यों तथा भामाशाहों को सोल उड़ाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। राजकीय सनातन धर्म उच्च माध्यमिक विद्यालय देलवाड़ा रोड में आयोजित कार्यक्रम में 360 पेंशनरों ने भाग लिया। समाज के अध्यक्ष नारायण सिंह पवार ने सभी अतिथियों का राजस्थानी भाषा में स्वागत किया। पवार ने मुख्य अतिथि गहलोत को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें पेंशनरों की विभिन्न समस्याओं का निराकरण करने की मांग रखी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पेंशनरों को समाज की धरोहर बताया और कहा कि पेंशनरों की समस्याओं को गंभीरता के साथ सरकार के समक्ष रखकर उनका निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। विशिष्ट अतिथि बागमान ने राज्य सरकार की लोकहित कार्य नीतियों को लागू करने के क्रम में विस्तार से जानकारी दी तथा पेंशनरों की समस्याओं के प्रति सकारात्मक रूप से निराकरण करने का प्रयास किया। विधायक रावत, राजस्थान पेंशनर समाज के प्रदेश अध्यक्ष शंकर सिंह मनोहर, सभापति नरेश कनौजिया, जवाजा प्रधान गणपत सिंह रावत ने भी अपने विचार रखे। अधिवेशन में जिला कोषाधिकारी रमेश वर्मा, चिकित्सा प्रभारी पारस चौहान, कांता प्रसाद चौहान, राम सहाय शर्मा, दिनेश कुमार, जेतारंग के अध्यक्ष देवीलाल रणवा, मसूदा के अध्यक्ष जगदीश चंद्र राजपुरोहित, जवाजा के अध्यक्ष बसंत सिंह चौहान, टॉटगढ़ के अध्यक्ष डाऊ सिंह चौहान, उपशाखा के अध्यक्ष शिवदयाल त्रिपाठी सहित अनेक पेंशनर मौजूद थे, जिनका मंत्री हेमंत दीक्षित सहित अनेक सदस्यों ने स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन कन्हैयालाल बागड़ी एवं सुनीता चौधरी ने किया। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की स्मृति में रविवार को दिगंबर जैन पंचायत नसिया में विनय अंजलि सभा का आयोजन किया गया। सकल दिगंबर जैन समाज ब्यावर द्वारा आयोजित सभा में जैन संत आचार्य श्री 108 विद्यासागर महाराज की जीवनी व उनके द्वारा शुरू किए गए जनोपयोगी कार्यों के बारे में प्रकाश डाला गया। साथ ही सर्वधर्म समाज द्वारा विनय अंजलि सभा में आचार्य श्री को विनय अंजलि दी गई। वक्ताओं ने आचार्य श्री की जीवनी पर प्रकाश डाला। इस दौरान आचार्य विद्यासागर पाठशाला की ओर से आचार्य श्री के द्वारा शुरू किए गए कार्यों के बारे में नाटिका एवं जाकी के माध्यम से जानकारियां दी गई।
दिगंबर जैन समाज के प्रवक्ता राकेश जैन गोदा ने बताया कि गुरुवार ने हमेशा सभी धर्मों को सम्मान आदर दिया है और राष्ट्रभाषा हिंदी का विकास हो इसके लिए गुरुवार ने समय समय पर अभियान भी चलाए। गुरुवार ने अपने उपदेशों में पहल की है कि हमारे देश का नाम इंडिया नहीं भारत ही होना चाहिए। गुरुवार हथकरघा के उपयोग को बढ़ाने के लिए जन जन को उत्साहित कर रहे थे। आचार्य श्री ने बालिका शिक्षा गो रक्षा के विकास में महती भूमिका निभाई। दिगंबर जैन पंचायती नसिया में आयोजित विनय अंजलि सभा में विधायक शंकर सिंह रावत, सभापति नरेश कनौजिया, पूर्व विधायक मानक ढाणी, डॉक्टर शमाशील गुप्त, गुमान सिंह, कांग्रेस नेता पारस पंच, अजय शर्मा, महेंद्र साकला, अध्यक्ष ओसवाल जैन, सिख समाज से साहिब सिंह, अभिनेत्री इशिका जैन, महावीर नाहर, हस्तिमल गुलेचा, संजय नाहर, जैन एकता मंच अंजलि बाबेल, अनिशा वनिशा, राधेश्याम झाजेट तथा भवानी सिंह कालवी आदि ने आचार्य श्री को अपनी विनय अंजलि दी। दिगंबर जैन समाज के सभी सदस्यों व अन्य धर्मों के लोगों ने अपनी विनय अंजलि दी। मंच संचालन कमल रामका ने किया। दिगंबर जैन पंचायत के उपाध्यक्ष विजय फागीवाला, सचिव कैलाश बड़जातिया व मारवाड़ी धड़ा के अध्यक्ष पारस कासिलवाल ने विद्यासागर महाराज के देव परिवर्तन को संपूर्ण विश्व के लिए अपूर्णीय क्षति बताया जिसे किसी तरीके से पूरा नहीं किया जा सकता। इस दौरान विकल कासलीवाल, रितेश फागीवाला, सिद्धार्थ फागीवाला ने भी महत्वपूर्ण सहयोग दिया। संत निरंकारी शाखा ब्यावर द्वारा रविवार को संत निरंकारी सत्संग भवन एवं आसपास के क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया गया। सफाई अभियान के बाद सत्संग भवन में लगभग 15 पौधे लगाए गए। मीडिया सहायक रवि मोटवानी के अनुसार प्रोजेक्ट अमृत के अंतर्गत स्वच्छ जल स्वच्छ मन परियोजना के दूसरे चरण के तहत रविवार को संपूर्ण भारतवर्ष में अभियान का आयोजन किया गया जिसके तहत ब्यावर में श्री श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भवन के आसपास के क्षेत्र में श्रमदान किया गया, साथ ही पर्यावरण संरक्षण के तहत पौधारोपण कर उसे संरक्षण की जिम्मेदारी ली गई। कार्यक्रम के संत बच्चूमल सहित बड़ी संख्या में महिला तथा पुरुष साधक उपस्थित रहे। अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जो सफाई अभियान था, एक्चुअली हमें करना तो सुभाष गार्डन में था, वहाँ के जो बिचड़ली तालाब है वहाँ की सफाई करनी थी, लेकिन वहाँ की स्थिति देखने के बाद ऐसा लगा कि वहाँ सफाई करना हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि जितना हमारे पास यहाँ सेवक हैं, गुरुसिक हैं, वो इतने सफिशेंट नहीं है। वहाँ दलदल इतना हो गया है कि अगर वहाँ पर कोई भी थोड़ा कोशिश भी करेंगे, कोई दलदल में गिर गया तो एक बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। इसलिए वहाँ से फिर मिशन से ये आदेश मंगवाया कि ठीक है, आप भवन की सफाई कर लीजिए। प्रदेश की सार्वजनिक निर्माण एवं महिला बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री मंजू बागमार के ब्यावर आगमन रविवार को शहरवासियों ने उनका स्वाभिमान स्वागत सत्कार किया। शहर के अनेक स्थानों पर विभिन्न संगठनों की ओर से उनका गर्भजोशी के साथ अभिनंदन किया गया। इस दौरान उन्हें अश्व पर बिठाया गया तथा पुष्प हार पहना कर तो कहीं पर पुष्प गुच्छ एवं शक्ति के प्रतीक तलवार भेंट कर सत्कार किया गया। उनके पीहर शाहपुरा मोहल्ला स्थित निवास पर महिलाओं ने मंगल गीतों की स्वर लहरियों के साथ उनकी आगवानी की एवं फूल मालाओं से लाद कर स्वागत किया गया। मेघवा समाज की ओर से मंत्री बागमार का जोरदार स्वागत अभिनंदन किया गया। पीहर में मंत्री ने अपने माता पिता के चरण छूकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। पीहर में हुए जोरदार स्वागत से मंत्री बागमार भी काफ़ी अभिभूत नजर आई। ज्ञात रहे कि मंत्री बागमार शाहपुरा मोहल्ला निवासी शिक्षाविद बिशनलाल बागमार की पुत्री तथा पार्षद भरत बागमार की बहन है। भजनलाल शर्मा सरकार में मंत्री बनने के बाद वह पहली बार ब्यावर पहुंची। आप सब भाइयों की तरफ से जो मुझे सम्मान दिया उसके लिए मैं सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही हमारे मुख्यमंत्री महोदय, हमारे संगठन का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे जो है सरकार में काम करने का मौका मिला। और निश्चित रूप से चूंकि मैं ब्यावर की बेटी हूँ तो मेरा भी एक फर्ज है कि मैं यहाँ पर अपने सभी जो मेरे कुटुंब के लोग हैं, आप सभी मेरा एक पूरा परिवार ही हो, वैसे तो पूरा राजस्थान परिवार है, फिर भी हमारे जो सरकार की जितनी भी योजना है उनको हम आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। मैडम, जिस तरह से अभी सड़कों की बात की गई और आखिर में कहीं ना कहीं आपके पास भी डिपार्टमेंट भी है पीडब्ल्यूडी का, और जिस तरह प्रदेश की सड़कों की बात भी की जा रही है, आखिर में क्या रहेगा ब्यावर की सड़कों को लेकर? अभी हमने काफी जो है फंड रिलीज भी किया है और हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 5-5 करोड़ रुपए की सड़कों का भी फंड रिलीज किया है और सभी से, और जितनी भी टूटी फूटी सड़कें जो गुणवत्ता की कमी थी उसके ऊपर हमारी तरफ से पूरा एक्शन लिया जाए।
रावना राजपूत सभा ब्यावर की बैठक रविवार को आयोजित की गई, जिसमें आगामी 25 मई को आयोजित किए जाने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन के आयोजन को लेकर विचार विमर्श किया गया तथा सम्मेलन को सफल बनाने के लिए अलग अलग लोगों को कमेटियां बनाकर जिम्मेदारियां सौंपी गई। शहर अध्यक्ष देवी सिंह साकला ने बताया कि बैठक में सामूहिक विवाह सम्मेलन के लिए उपस्थित पदाधिकारियों तथा समाज बंधुओं आदि से विस्तृत चर्चा की गई एवं सम्मेलन के लिए यथासंभव सहयोग देने का आग्रह किया गया। विवाह समिति के अध्यक्ष भगवान सिंह राठौड़, उपाध्यक्ष भंवर सिंह चौहान ने बताया कि उपस्थित समाज बंधुओं के साथ विस्तार से चर्चा किए जाने के बाद सम्मेलन के लिए अलग अलग कमेटियों का गठन किया गया और जिम्मेदारियां सौंपी गई। सम्मेलन आगामी 25 मई को सतपुलिया स्थित मोहम्मद अली मेमोरियल स्कूल में आयोजित किया जाएगा। बैठक में ब्यावर जिले के बर जेतारण, रास बाबरा, रायपुर तथा बदनोर सहित 10 गांव एवं 17 गांव परगना के समाज बंधु मौजूद रहे। अब थे एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, आप बने रहिए जे स्काई न्यूज के साथ। शहर के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने रविवार को ब्यावर आए कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत को एक ज्ञापन देकर मेवाड़ी गेट स्थित सिटी डिस्पेंसरी को सैटेलाइट मातृ शिशु कल्याण केंद्र के रूप में कर्मोन्नत करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि उक्त डिस्पेंसरी को भामाशाहों के सहयोग से बहुत ही अच्छे ढंग से बनवाया गया है, लेकिन चिकित्सा विभाग की अनदेखी के कारण इसका सही सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। जागरूक एवं शिवसेना के नेता सुरेश चौहान, सामाजिक कार्यकर्ता राजेश कोठारी, संजय कोमल सिंह मेहता, उत्तम चंद सुराना, विमल हिंगड़ तथा रत्नेश रूनीवाल आदि अनेक सदस्यों ने गहलोत को दिए गए ज्ञापन में बताया कि भामाशाह कंवरलाल रांका की ओर से इस डिस्पेंसरी का निर्माण करवाया गया था, जिसमें 18 से 20 कमरे हैं, लेकिन चिकित्सा विभाग की अनदेखी के कारण इसका कोई सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर मातृ शिशु कल्याण केंद्र का संचालन किया जाए तो शहर की महिलाओं को प्रसव के लिए ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। केंद्र के लिए ये डिस्पेंसरी बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है। फिलहाल इसे शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में संचालित किया जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गहलोत से उक्त डिस्पेंसरी को सैटेलाइट मातृ शिशु कल्याण केंद्र में कर्मोन्नत करवाने की मांग की है। राजस्थान क्षत्रिय कुमावत युवा शक्ति जिला ब्यावर द्वारा जिले के नवनियुक्त अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर लोकेश कुमावत का स्वागत किया गया। शहर के सेंद्रा रोड स्थित कमल ईट उद्योग पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उपस्थित समाज बंधुओं ने डॉक्टर लोकेश कुमावत का समाज संरक्षक दिनेश नारायणिया सहित अन्य द्वारा साफा में माला पहनाकर स्वागत किया गया। स्वागत कार्यक्रम के दौरान रवि नारायण, राजेंद्र राजोरिया, पुरुषोत्तम सरोड़िया, राजू तिलकधारी, रवि सरोड़िया, अमित नेमीवाल, रवि करोड़ीवाल, गौरी शंकर कारकवाल, महावीर गोड़ाला, चंद्र प्रकाश कुदाल, लोकेश नाग, तरुण नोहरा तथा हेमंग नोखवाल सहित अन्य शामिल रहे। श्री क्षत्रिय फूल माल्यान पंचायत छावनी ब्यावर की ओर से रविवार को छावनी होली चौक पर होली का डांडा रोपण किया गया। इस दौरान उपस्थित समाज बंधुओं ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए होली का डांडा रोपा। डांडा रोपण कार्यक्रम में पूनम चंद टांग, अध्यक्ष रंजीत सांकला, कपिल टाक, चेतन सांकला, ललित सांकला, प्रकाश माली, प्रमोद महावर, पवन दगदी, धन्ना सिंह भाटी, पुखराज दगदी, शंकर लाल दगदी, गोपाल गहलोत, शंकर निमावत तथा लाला दगदी सहित अन्य उपस्थित रहे। साहू समाज नवयुवक मंडल की एक आवश्यक बैठक रविवार को आयोजित की गई। शहर के विजयनगर रोड स्थित साहू वाटिका में आयोजित बैठक में नवयुवक मंडल के चुनाव संपन्न हुए। बैठक के प्रारंभ में बैठक के अध्यक्ष ओम प्रकाश असरवा ने उपस्थित अतिथियों का माला वे साफा पहना का स्वागत किया। चुनाव में दिलीप महावर को सर्वसम्मति से नवयुवक मंडल अध्यक्ष चुना गया। इस दौरान वर्तमान अध्यक्ष शिव गुलानिया ने आय व्यय का ब्यौरा पेश करते हुए नवीन अध्यक्ष महावर को माला पहना कर शुभकामनाएं दी। बैठक में श्री तेलियन वैवाहिक समिति अध्यक्ष रमेश चंद्र जाधव, श्री तेली पंच मारवाड़ा अध्यक्ष नौरतमल सिसोदिया, साहू वाटिका पूर्व अध्यक्ष रितेश सिसोदिया, साहू सेना अध्यक्ष ललित असरवा सहित समाज के गणमान्य अतिथि के साथ सैकड़ों युवा उपस्थित रहे। सदर थाना क्षेत्र के पीपलाज स्थित कमला ग्लोबल फैक्ट्री में सोमवार को एक लापरवाह डंपर चालक ने लापरवाही पूर्वक डंपर चलाकर फैक्ट्री में खेल रहे एक 3 साल के मासूम को चपेट में ले लिया। हादसे में मासूम डंपर के टायर में फंस गया। हादसे के बाद परिजन मासूम को लेकर राजकीय अमृत को चिकित्सालय पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने उसका स्वास्थ्य परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रशासन ने शव को मोर्चरी में रखवा कर सदर थाना पुलिस को सूचित किया। अस्पताल प्रशासन की सूचना पर सदर थाना के ASI तेजमल गुर्जर ने मोर्चरी पहुंचे।
जहां पर परिजनों की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर पंचनामा तैयार करवाकर शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाश अंतिम संस्कार हेतु परिजनों के सुपुर्द की गई। पुलिस ने डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एएसआई तेजमाल गुर्जर ने बताया कि गोपाल मीणा के 3 वर्षीय पुत्र कालू सोमवार को पीपलाज स्थित कमला ग्लोबल फैक्ट्री परिसर में खेल रहा था। इस दौरान एक डंपर चालक ने उसे चपेट में ले लिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद लाश परिजनों के सुपुर्द कर दी गई है। चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पंकज कुमार भट्ट जी ने रिपोर्ट दी है कि मेरी फैक्ट्री कमला ग्लोबल पीपलाज में है, वहाँ पर सुबह 9:30 बजे करीब एक डंपर के चालक ने लापरवाही पूर्ण डंपर को चलाकर गोपाल कालू पुत्र गोपाल जाति रावत मीणा उम्र करीब 3 साल के बच्चे का एक्सीडेंट कर दिया है, जिसको हॉस्पिटल लाए हैं, जिसकी डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया है, जिस पर कार्रवाई जारी है। श्री मारूसेन समाज पंचायत बोर्ड संस्था ब्यावर के तत्वाधान में श्री मारूसेन मंदिर भवन के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य पर एक दिवसीय एक्यूप्रेशर शिविर का आयोजन किया गया। संस्था प्रवक्ता दिलीप बड़गुजर ने बताया कि शिविर शुभारंभ के मौके पर भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, संत शिरोमणि श्री सेन जी महाराज और नारायणी माता के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए दीप प्रज्वलित किया गया। शिविर में एक्यूप्रेशर चिकित्सक डॉक्टर विवेक शर्मा, डॉक्टर घनश्याम शर्मा, डॉक्टर सत्येंद्र गौतम, डॉक्टर जय शर्मा, अशोक मेवाड़ा, मोहन सिंह तथा प्रदीप कुमार आदि ने अपनी सेवाएं दी। शिविर में करीब 100 महिलाओं तथा पुरुष का एक्यूप्रेशर पद्धति से उपचार और परामर्श दिया गया। शिविर में मारूसेन समाज संस्था अध्यक्ष दिलीप सेन, रामेश्वर लाल सिसोदिया, मंत्री रामनिवास सेन, कोषाध्यक्ष गोविंद राम सेन, जगदीश प्रसाद सेन, नौरत्मल गहलोत, सुशीला चौहान, रमेश चौहान, कन्हैयालाल धांदल, अशोक मेवाड़ा, सुनील हर्षवाल, महिला मंडल अध्यक्ष उगमा गहलोत, पपिता परिहार, सज्जन देवी, मंजू मेवाड़ा, हेमलता भाटी, कांता गहलोत, सुनीता देवी, अरुणा मेवाड़ा तथा नवनियुक्त मंडल सदस्यों ने अपनी सेवाएं दी। एक चिकित्सा शिविर लगाया गया, इसमें जिन व्यक्तियों को तकलीफ है घुटनों में, नसों में, उन सबका बहुत अच्छी तरह से इलाज किया जा रहा है। हमारे ब्यावर के सभी प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, विवेक जी शर्मा, घनश्याम जी, इनके साथ पूरी टीम है, वो पूरा आज अपनी सेवाएं दे रहे हैं और निःशुल्क ये कार्यक्रम रखा गया है। ब्यावर के प्रथम पहली बार हमारे बाबू सेन समाज भवन में ये पहली बार ये कार्यक्रम रखा गया है, इसमें सभी लोग लाभान्वित होंगे, इसी हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। महावीर इंटरनेशनल रॉयल ब्यावर द्वारा रविवार को विनोद नगर स्थित जैन जवाहर भवन में विशाल मल्टी स्पेशलिटी निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर संयोजक दिलीप दक्क, रवि बोहरा, अमित बाबेल एवं प्रदीप मखाना ने बताया कि शिविर में श्री राम हॉस्पिटल जोधपुर के प्रसिद्ध लेपोस्कोपिक जनरल सर्जन डॉक्टर दिवाकर बंसल, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दयाल विश्नोई, मूत्रपथरी एवं पो स्टेट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र चौहान, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंबर भटनाकर तथा हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ओम प्रकाश चौधरी ने मानव सेवार्थ अपनी सेवाएं प्रदान की। सचिव रुपेश कुमार कोठारी एवं कोषाध्यक्ष अभीश नाटा के अनुसार शिविर में 324 मरीजों ने परामर्श का लाभ लिया तथा 47 मरीजों की ब्लड शुगर एवं 65 मरीजों की ECG और 78 मरीजों की BP की जाँचें निःशुल्क जाँच की गई। शिविर का पूर्व जोन चेयरमैन ज्ञानचंद कोठारी, गवर्निंग काउंसिल सदस्य दनपत श्रीमाल, राजेश रांका, दीपचंद कोठारी, सुरेंद्र कोठारी, सुरेश रांका तथा स्टेट बैंक इंडिया के प्रबंधन मनीष आदि ने अवलोकन किया एवं महावीर इंटरनेशनल रॉयल के मानव सेवा प्रयासों की सराहना की। शिविर समापन पर आगंतुक चिकित्सकों एवं उनके स्टाफ का निस्वार्थ सेवाओं हेतु तथा रौनक श्रीमाल का सेवाओं हेतु माला, शाल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर बहुमान किया गया। अध्यक्ष अशोक पार्लेजा ने महावीर इंटरनेशनल रॉयल के द्वारा 11 माह के कम समय में किए गए सेवा कार्यों पर प्रकाश डालते हुए आगामी कार्यों की योजना की भी जानकारी दी। शिविर के सफल आयोजन में संध्या बोहरा, कांता पार्लेचा, रूपा कोठारी, हेमलता नाहर, पूनम मकाना, टीना रांका, रीना दक्क, विनय डोसी, अभिषेक नहाटा, पंकज सकलेचा, दिलीप बी भंडारी, योगेंद्र मेहता, संदीप खींचा, अमित बाबेल, नवलेश बुरड़, पुष्पेंद्र चौधरी, नरेंद्र सुराना, प्रदीप मकाना, आशीष कोठारी, राजेश सुराना, कमल पगारिया, रोहित मुत्था तथा शालीन मेहता आदि सदस्यों ने अपनी सेवाएं दी।
आज चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। आज महावीर इंटरनेशनल रॉयल ब्यावर एवं श्रीराम हॉस्पिटल जोधपुर के सहयोग से विशाल निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में श्रीराम हॉस्पिटल जोधपुर के 5 डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही शिविर में ECG, ब्लड शुगर, BP इत्यादि जाँचें भी निःशुल्क की जा रही है। राजस्थान पटवार संघ जिला शाखा ब्यावर के संपन्न चुनावों में मूलाराम भाटी को अध्यक्ष चुना गया है। नवगठित कार्यकारिणी में घनश्याम को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, आशीष दग्दी को उपाध्यक्ष, सुरेश कुमार जवेलिया को महामंत्री तथा नाथूलाल गुज्जर को संयुक्त मंत्री मनोनीत किया गया है। इसी प्रकार गजराज मेघवंशी को संगठन मंत्री, सुनील कुमार डेटानी को कोषाध्यक्ष, अशोक कुमार, देवराज प्रजापत, हनुमान सिंह, राकेश जांगिर, प्रवीण राय फुलवारी, चिमन राय सुथार तथा प्रदीप कुमार को सलाहकार मनोनीत किया गया है। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे लेना चाहेंगे पूरी टीम के साथ इजाजत। फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पीएम मोदी ने किया ब्यावर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत रहे मौजूद। पेंशनर समाज का वार्षिक अधिवेशन संपन्न। वरिष्ठ पेंशनरों का मंत्री गहलोत ने किया सम्मान। आचार्य विद्यासागर की स्मृति में विनय अंजलि कार्यक्रम का आयोजन। बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोगों ने दी श्रद्धांजलि। और श्री मारूसेन समाज पंचायत बोर्ड संस्था का निशुल्क एक्यूप्रेशर चिकित्सा शिविर का आयोजन। शिविर में 100 से अधिक महिला पुरुष हुए लाभान्वित।